नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। आज मैं आपसे युवाओं के घुटनों से जुड़ी संबंधित एक समस्या के बारे में बात करूँगा, जो आज के युवा स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेल में बहुत ज़्यादा एंगेज हैं और वे नियमित रूप से एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनमें होने वाली एक कॉमन समस्या जिसका नाम है ACL टीयर, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सबको पता है, आज स्पोर्ट्स का कितना ज़्यादा महत्व है और हर कोई एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में अपना नाम चाहता है, पर स्पोर्ट्स में होने वाले इस फेम के साथ साथ इस बहुत सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड नी इंजुरी भी कॉमन होती जा रही है। तो इसी नी इंजुरी में से एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसे हम ACL टीयर कहते हैं के बारे में आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ACL का पूरा नाम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। ACL उन चार लिगामेंट्स में से एक है जिनमें घुटना बना होता है। लिगामेंट जांग की हड्डियों को स्थिर रखते हैं, जो शिन बोन यानी टीबिया के ठीक ऊपर स्थित होती है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में किसी प्रकार का दबाव या खरोच आने की स्थिति को ACL टीयर कहा जाता है। दरार छोटी भी हो सकती है या पूरी हड्डी में भी आ सकती है। ACL की चोट आमतौर पर घुटने की साइड में कोई गंभीर चोट लगने, घुटने में ज़्यादा खिंचाव या मरोड़ आने के कारण होती है। ACL की चोट के लक्षणों में चोट के दौरान चटकने जैसी आवाज का आना, घुटनों के बल खड़ा न हो पाना और जोड़ में सूजन आदि शामिल होते हैं। ACL संबंधी चोट का पता लगाने के लिए डॉक्टर अक्सर MRI स्कैन की मदद लेते हैं। इस टेस्ट की मदद से घुटने संबंधी चोटों का पता लगाया जाता है, जैसे हड्डी या मेनिस्कस में किसी भी प्रकार की चोट का लगना। क्योंकि ACL चोट के साथ साथ अन्य चोट भी कॉमन होते हैं, ACL चोट के लगभग सभी मामलों में इलाज के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। वृद्ध व्यक्तियों या फिर जो शारीरिक से गतिशील नहीं है, उन लोगों की चोट का इलाज कुछ प्रकार की शारीरिक थेरेपी या ब्रेसिंग या कोई सपोर्ट की मदद से किया जाता है। ACL चोट की कई जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे लंबी दूरी तक न चल पाना, घुटनों की एक टांग में ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि का हो जाना, ये सारे इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ACL चोट के प्रमुख लक्षण क्या है? ACL चोट के दौरान कई लोगों को चटकने जैसी आवाज सुनाई देती है, हालांकि हर किसी को ये आवाज सुनाई नहीं देती। दर्द, यदि आपको कोई हल्की चोट है तो हो सकता है आपको दर्द महसूस ना हो, आपको घुटने के जोड़ के आसपास काफ़ी दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को खड़ा होने में या वजन डालने में काफ़ी कठिनाई होती है। सूजन, आमतौर पर घुटने की सूजन 24 घंटे के अंदर ही शुरू हो जाती है। घुटने की बर्फ से सिकाई करने पर घुटनों के सूजन को कम किया जा सकता है। चलने में कठिनाई, यदि आप अपनी प्रभावित टांग पर शरीर का पूरा वजन नहीं डाल पा रहे हो और आप चलने समय आपको ऐसा लगता है कि आपका एक घुटना बैलेंस नहीं बना पा रहा है, तो डेफिनेटली ये ACL टीयर का एक साइन है। घुटने को पूरी तरह हिला ना पाना, ACL में चोट लगने के बाद आमतौर पर घुटने नहीं मुड़ते और घुटने संबंधित अन्य गतिविधियां जैसे पूरी तरह फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये सब नहीं हो पाता। ACL चोट क्यों लगती है? ACL की चोट ज़्यादातर खेलों में भाग लेने वाले लोगों को ही लगती है। इन खेलों में मुख्य रूप से फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जैसे खेल शामिल होते हैं। ACL चोट निम्न कारणों से लग सकती है, जैसे तेजी से दिशाओं में बदलाव करना, कूदते समय ठीक से पैर न रख पाना, कोई तेज गतिविधि करते अचानक रुक जाना या किसी खिलाड़ी से सीधे टक्कर लग जाना, इन सभी चीजों से ACL टीयर का खतरा बढ़ जाता है। ACL में चोट लगने से क्या क्या बचाव के उपाय हैं? उचित एक्सरसाइज या ट्रेनिंग आदि की मदद से ACL की चोट से बचा जा सकता है। कई फिजिकल थेरेपी, एथलेटिक ट्रेनिंग या खेल कूद संबंधित अन्य मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्शन दे सकते हैं, जिससे आपको चोट लगने में जो चोट लगने की सारी संभावना कम हो सकती है। कुछ प्रकार की एक्सरसाइज जैसे हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, आदि से भी आप ACL की दर्द को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ ठीक करने के अन्य तरीकों में कूदने या फिर जंप करने की सही मुद्रा या उस तकनीक को सीखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ACL की चोट का परीक्षण यानी इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? घुटने में सूजन या नीला पड़ जाता है, घुटने को छूने से दर्द का होना जिसे हम नी टेंडरनेस भी कहते हैं। एक्सरे, इसकी मदद से ACL की क्षति व हड्डी टूटने की जांच का पता लगाया जाता है। MRI स्कैन,
यह एक श्योर शॉट तरीका है। इससे हम MRI से ACL टियर, साथ ही साथ मेनिस्कस टियर और अन्य दूसरे प्रकार के लिगामेंट के टियर को भी आसानी से पता लगा सकते हैं। ACL चोट का क्या इलाज होता है? ACL चोट का मुख्य इलाजों में आपको त्वरित रूप से घुटने में बर्फ की सिकाई करनी है। आप जब सोने जाते हैं तो आपके दोनों टांगों को आपके हार्ट के लेवल से ऊपर होना चाहिए, जिससे सूजन काफ़ी कम हो सकती है। कुछ प्रकार की दर्द निवारक दवाइयां जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी आदि आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ जब तक सूजन कम न हो तब तक आप बैसाखी की मदद ले सकते हैं। साथ ही एक गर्म पट्टी भी आप अपने नींव पर बांध सकते हैं। टांग की मजबूत व जोड़ों को हिलाने डुलाने की क्षमता में सुधार लाने के लिए आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं की भी आप मदद ले सकते हैं। ऑपरेशन, अगर आपकी उम्र 40 से कम हो और मैंने आपको जो भी बातें बताई ये सारे सिम्टम आपको आ रहे हैं और आप किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं तो ऑपरेशन आपके लिए एक महत्वपूर्ण और फाइनल ट्रीटमेंट हो सकता है। इस प्रकार के ऑपरेशन को हम ऑर्थोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस ऑपरेशन में हम आपके घुटनों में दो छोटे छोटे छेद बनाते हैं और इन छेद की मदद से और दूरबीन की मदद से हम आपके घुटनों की ACL टियर को रिप्लेस करते हैं। इसके लिए हम ग्राफ्ट लेते हैं जिसे हम हैमस्ट्रिंग या फिर क्वाड्रिसेप्स या फिर बाइसेप्स फेमोरिस ग्राफ्ट लेके आपका ACL को हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और ये ऑपरेशन पूरी तरह सुरक्षित है और इसके रिजल्ट्स लगभग 98% सक्सेस भी है। इससे आपके सारे सिम्टम जो ऑपरेशन से पहले थे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और ये बहुत ही मामूली और कॉम्प्लिकेशन से कम कॉम्प्लिकेशंस वाला सर्जरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें और ACL टियर के बारे में कम्प्लीट जानकारी दूसरों को भी बताएँ। मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ACL संबंधित कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।